भाइयों और बहनों, नॉर्थ ईस्ट की युवा शक्ति के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी से नए अवसर बनाए जा रहे हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी से सिर्फ बातचीत कम्युनिकेशन नहीं, उतना ही लाभ मिलता ऐसा नहीं है, बल्कि इससे टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, हर क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ती हैं, अवसर बढ़ते हैं। साथ ही विश्व में तेजी से उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था का सामर्थ्य भी इससे बढ़ता है। 2014 की तुलना में नॉर्थ ईस्ट में ऑप्टिकल फाइबर की कवरेज लगभग 4 गुना बढ़ी है, वहीं मेघालय में ये वृद्धि 5 गुना से अधिक है। नॉर्थ ईस्ट के कोने कोने तक बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचे, उसके लिए 6000 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। इस पर 5000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जा रहा है। आज मेघालय में अनेक 4G मोबाइल टावर्स का लोकार्पण इन प्रयासों को गति देगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहां के युवाओं को नए अवसर देने वाला है। मेघालय में IIM का लोकार्पण और टेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास भी पढ़ाई और कमाई के अवसरों का विस्तार करेगा। आज नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी क्षेत्रों में 150 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। इसमें से 39 मेघालय में है। दूसरी तरफ IIM जैसे प्रोफेशनल एजुकेशन के संस्थानों से युवाओं को प्रोफेशनल एजुकेशन का लाभ भी यही मिलने वाला है।